Hello and welcome everyone. I am Roshan. It's my first video on my YouTube channel. आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सी लैंग्वेज में कोई भी टेक्स्ट मैसेज कैसे प्रिंट करते हैं। आप सी लैंग्वेज को लिखने के लिए आप देव सी प्लस प्लस का यूज़ कर सकते हैं, वीएस कोड का यूज़ कर सकते हैं, टर्बो सी प्लस प्लस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि देव सी प्लस प्लस पे आप कैसे सी लैंग्वेज को लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं सी लैंग्वेज को ओपन कर लेता हूँ, फिर कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ एंड देन मैं फाइल पे जाके अपने प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ, जो भी मैं यहाँ पे लिखूँगा अपना प्रोग्राम। तो यह मेरा पहला प्रोग्राम होने वाला है, इसलिए मैं इसको फर्स्ट डॉट सी से सेव कर लेता हूँ। डॉट सी से इसलिए सेव कर रहा हूँ क्योंकि यह मेरा सी का प्रोग्राम है, तो सी का प्रोग्राम है इसलिए हम इसको डॉट सी से सेव करते हैं। हर लैंग्वेज का अपना एक सिंटेक्स होता है, तो सी लैंग्वेज का जो बेसिक सिंटेक्स है उसमें सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, लाइक हैज इंक्लूड studio.h हेडर सी लैंग्वेज के पहले ही लाइन में होता है। बिना इस हेडर फाइल के हम एक सिंपल सा प्रोग्राम भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसी हेडर फाइल के अंदर वो प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका यूज करके हम आउटपुट और इनपुट का काम करेंगे। अब हम नेक्स्ट लाइन में फंक्शन लिखेंगे। यह फंक्शन सी लैंग्वेज के हर एक प्रोग्राम में होता है। यह जो मेन फंक्शन है हमारा, यह मेन फंक्शन हर सी लैंग्वेज, हर सी प्रोग्राम में होता है। अब आउटपुट प्रिंट करने के लिए सी लैंग्वेज एक फंक्शन प्रोवाइड करता है जो कि है प्रिंटएफ जो होता है वो studio.h हेडर फाइल में पहले से ही वो प्री डिफाइंड होता है, और प्रिंटएफ का यूज होता है आउटपुट देखने के लिए। इस प्रिंटएफ के अंतर्गत जो भी हम टेक्स्ट मैसेज लिखेंगे वो वहां पे आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। नाउ हेयर आई राइट हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, लास्ट में सेमी कॉलन लगाएंगे और देन नेक्स्ट टाइम रिटर्न जीरो हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मेन फंक्शन जो है वो हमारा इंटीजर टाइप है, वो मेन इंट को रिटर्न कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम जीरो लिख रहे हैं। यहाँ पे हम जीरो की जगह पे वन भी लिख सकते हैं, टू भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो एग्जीक्यूट पे क्लिक करके हम अपने प्रोग्राम को सबसे पहले कंपाइल करेंगे। कंपाइलेशन का काम होता है कि हमारे प्रोग्राम को रीड करना और यदि हमारे प्रोग्राम में किसी भी प्रकार का कोई एरर है तो उसको शो करना। लेकिन हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है, तो इसलिए यहाँ पे एरर जीरो शो हो रहा है, वार्निंग जीरो शो हो रहा है, यानी कि मेरा प्रोग्राम बिल्कुल भी सही है। अब यह रन करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम एग्जीक्यूट के बाद रन पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। आप हेलो वर्ल्ड की जगह पे कुछ और भी आप टेक्स्ट मैसेज लिख लीजिए, लाइक हेलो फिर से एग्जीक्यूट करिए। हम कंपाइल और रन एक साथ भी कर सकते हैं F11 पे क्लिक करके, देखिए कंपाइल हो रहा है और यहाँ देखिए हेलो एंड वेलकम एवरीवन। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन।